पंचायत इलेक्शंस हुए तो उन्होंने देखा जो यहाँ थर्ड फ्रंट है, जो सजाद साहब की अगुवाई में जो थर्ड फ्रंट है पीसी की अगुवाई में, वो काफी लोकप्रिय है यहाँ, काफी ज्यादा हो रहा था। और हाल ही में जो पीडीपी के सिटिंग एमएलएज हैं, काफी संख्या में वो सजाद साहब से मिले थे और सजाद साहब की अगुवाई में काम करना चाहते थे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ लीक हो गया था, तो इसीलिए उन्होंने एक हिसाब से अपने पार्टी को बचाने के लिए ये कदम उठाया था। अभी जब मुझसे आपके कुछ दोस्तों ने पूछा कि उन्होंने लिखा है कि 29 एमएलए उनके साथ हैं, तो मैंने उनको ज्यादा बात नहीं की, मैंने कहा कि 29 में तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं आपके सामने मैं कहता हूँ कि मैं हूँ नहीं। ये हमारे दो खानदान हैं, एक हमारे अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस बन चुका था यहाँ कश्मीर में, जिसमें नाम लिया गया कि हम 35A को हम बचाने के लिए हम ये ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको वाकई बात बता दूं, ये थर्ड फ्रंट को न उभरने के लिए एक अलायंस का एक डोंग रचा गया और ये कहा गया कि हम 35A को डिफेंड करना चाहते हैं, दोबारा कश्मीरियों को कश्मीरियों के साथ खिलवाड़ करके ऐसा काम किया गया। अब गवर्नर साहब ने असेंबली को ऑलरेडी कर लिया है, तो एक ही चारा है और एक ही चीज है, वो नए इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह हम तैयारी करेंगे।